दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों अगर आपको करेला नहीं है पसंद तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी करेला खाना शुरू कर देंगे। आज हम आपको बताते हैं करेले के जूस के फायदे और उसके कुछ नुकसान, तो आइए देखते हैं हमारा ये वीडियो। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लें लोटस आयुर्वेदा इंडिया को। दोस्तों करेला कई औषधीय गुणों से भरा होता है। इसका डायबिटीज जैसे घातक रोगों को खत्म करने का भी विशेष योगदान होता है। इसकी सब्जी के बजाय इसके जूस का इस्तेमाल करना तो बहुत ही बेहतर होता है। करेले का जूस पीना आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य के लाभ पहुंचाता है। करेला लेकिन पूरी तरह से हरा होना चाहिए। सबसे पहले करेले को अच्छी तरह से पानी से धो लें, फिर इसे छील कर पतले पतले स्लाइस काट लें। स्लाइस को ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लें। अब इसे एक बर्तन में निकाल कर रखें और इसमें नींबू, काला नमक और हींग मिला लें। मिश्रण में बर्फ डालकर इसे आप सर्व कर सकते हैं। दोस्तों करेले का जूस पीने से आपका खून साफ होता है। खून साफ होता है तो ये आपकी त्वचा से संबंधित समस्याओं को खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा में निखार लाते हैं और चेहरे से झुर्रियां भी हटा देते हैं। डायबिटीज के खतरे को भी खत्म कर देता है ये, अगर आप इसका सेवन रोजाना करें तो। करेले का रस बवासीर को भी खत्म करता है। कब्ज के खात्मे के लिए भी आप करेले में पिसी हुई अजवाइन मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। बवासीर खत्म करना चाहते हैं तो करेले के जूस में नींबू और एक चम्मच शक्कर मिलाकर पिए। साथ ही मलेरिया को दूर करने के लिए भी ये फायदेमंद है। करेले के जूस में काली मिर्च पीसकर रोगी को पिलाएं। इसके अलावा आप करेले की पत्तियों को भी अच्छे से पीसकर रोगी के शरीर पर लगा सकते हैं। सांस की बीमारी में भी करेला लाभदायक है। अस्थमा, खांसी और सांस संबंधित विकार में करेले का जूस उपयोग में लाया जा सकता है। करेले के जूस में मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और कई रोगों को आपसे दूर रखता है। आंखों की बीमारियों में भी करेला फायदेमंद है। मोतियाबिंद, कम दिखाई देना, आंखों का फूल जाना, ऐसे कई रोग करेले की मदद से दूर हो जाते हैं। बस रोज सुबह खाली पेट एक गिलास करेले का जूस पिए। कार्बोहाइड्रेट के स्तर को भी कम कर देता है करेला। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाए तो आपके हार्ट को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कई बीमारियों को कार्बोहाइड्रेट की अधिकता की वजह से होती है। करेले के जूस में नींबू मिलाकर पीने से ये आपका कंट्रोल में रहता है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो वो भी करेले का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए आपको करेले के जूस में पिसी हुई अजवाइन मिलाकर इसका सेवन करना है। पाचन तंत्र को सुधार देगा और आपकी भूख बढ़ने लगेगी। लेकिन दोस्तों याद रखें, करेले का जूस पीते समय कुछ सावधानियां, जैसे गर्भावस्था के दौरान करेले का जूस ना पिएं, इससे गर्भपात होने की आशंका हो जाती है। किसी को इसके सेवन से पेट में दर्द या सिर में दर्द हो तो इसका सेवन ना करें। इसकी खुराक डॉक्टर की मदद से तय करें। इंसुलिन की कमी भी हो सकती है। करेले के जूस का सेवन करने के बाद कुछ नाश्ता तो जरूर करें। तो दोस्तों ये थे करेले के जूस के फायदे और नुकसान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जुड़े रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया के साथ।